जल्दबाजी कर रही है। नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। कोई बात नहीं चलाई, और बेरोजगारी का उसका हिसाब था बहुत, मेरी लड़की तंग थी तो उसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई, फिर मारा ते कोई कदम है तो यार धरना बजा कर दी माँ पढ़ाई तो मतलब रख बे व्यापन धरना कुछ नहीं लेना। हमने वहां भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न का 13 साल छोड़ दी थी, हमने कोई बेरा नहीं था। इस रकम छोटी देंगे 4-5 महीने हो गए मेरी छोटी लड़की ने साथ जाई। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई, आम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वो नहीं बोली मान अच्छी अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई आपकी बीमारी है, कदे आप मारे जामा मर जामा। तो आज बात हुई कोई आज? हाँ आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं दिल्ली ना, कोई बताया नहीं मारा दिल्ली। तो क्या कहेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया प्रोटेस्ट कराया, तो कोई बेरोजगारी की बात करा करती घर पर? हाँ बेरोजगारी की बात करा करती, नहीं बोली माँ उन्हें इतनी मम्मी मैं उन्हें इतनी पढ़ ली, दो रोटियां का रोजगार नहीं मिलता इस तकरी तो मैं मर जू, ये बात जरूर कहा कर दी। वो घर की स्थिति कैसी है जी? हम तो गरीब से अभी अपना लाइफ पेट चलाई चला रहे। देखो हमने वीडियो देखी है, नीलम नाम है उस बेटी का और वो गसो खुरद से है, हमारे इलाके की लड़की है, सभ्य और पढ़ी लिखी जेंटल लड़की है, कभी कभार हमारे धरने पर भी समर्थन करने आती थी, और जो खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना चला उसके अंदर भी उसने भाग लिया, उन खिलाड़ी बेटियों का साथ दिया। आज उसने महंगाई के बारे में और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके बारे में आवाज उठाई है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी रिहा करने का काम करे और उससे सीख लेकर ले, जो देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है और जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाने का ये मोदी सरकार काम करे। अच्छा क्या और जानते हैं कौन से गांव से फादर क्या करते हैं थोड़ा सा? उसका बाप यहाँ पर हलवाई का काम करता है और बीसी समाज की लड़की है, कुम्हार जाति से संबंध रखती है। मैं कहूंगा कि सभ्य और जेंटल लड़की है, उसको ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी देश के अंदर बड़ी है, युवाओं के अंदर बड़ा भारी रोष है, युवा है पढ़ी लिखी लड़की है, सरकार ने गलत वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे, तो रोजगार कहीं सरकार दे नहीं रही, इसलिए उसने अपना जो प्रोटेस्ट किया है एक महीने में तो सही किया, हम सही काम मानते हैं। और जो आज तानाशाही सरकारों की चल रही है, सरकार ने इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए, युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसान मजदूर की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, आम आदमी की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा यहाँ अक्सर आती थी धरने पे? यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास कभी कभार वो आई है, मैं कहता हूँ कि उसने जो खिलाड़ी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी उस प्रोटेस्ट में भी उसने भाग लिया था, उन बेटियों का भी साथ दिया था, एक सभ्य और जेंटल लड़की है। आपका शुभ नाम जी? आजाद पालवा। देखिए जी वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी शानी लड़की है और हिसार में वो प्रैक्टिस भी कर रही है, मेरी ख्याल से तो कोर्स कर रही है कोई बड़ा, तो हमारे साथ गई थी वो, अपना जो महिला बेटियों का खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था आपके साथ गई थी? हाँ हमारे साथ गई थी, बड़ी पढ़ी लिखी बड़ी सभ्य लड़की है। तो किस तरह के विचार थे वो, किस तरह की बातें करती थी? बहुत बढ़िया बातें करती थी जी, ये तो कहती थी भाई सरकार ने ये वादे करे थे इतना रोजगार देंगे ये देंगे वो देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं सरकार ने, इसलिए उसका गुस्सा था, हो सकता है इसी बात को लेकर थोड़ा बहुत उसने जो भी विरोध किया सही किया। तो किस जो और आपका किसान आंदोलन आपका चला उसमें भी साथ? हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल, लगातार आती थी वो साथ देती थी। किस किस तरह के मुद्दे उठाती थी? रोजगार का बताया आपने, रोजगार का मुद्दा था? हाँ रोजगार का था, ये अपना किसानों वाला था, इसमें हर हर जो भी गरीब तबका का जो भी होता था उसके साथ थी, आती थी अपना छोड़ के वहाँ से पढ़ाई छोड़ के। तो कितने दिन प्रोटेस्ट किया उसने वहाँ पे उसका खिलाड़ियों के साथ में दिल्ली में? वो जी दो ही दिन रहे थे, वो तीसरे दिन तो गिरफ्तार कर लिया गया हमको, फिर इन्होंने महिला संसद के सामने वो महिला महापंचायत होनी थी, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई थी नीलम की? हाँ जी हाँ साथ। किसकी? नीलम भी हमारे साथ थी जी गिरफ्तार में। हाँ जी हाँ, लेकिन वो उन्हें छोड़ दिए थे फिर वैसे ही बगैर केस दर्ज करे।